नमस्कार दोस्तों, डोलेजेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। रेल नेटवर्क भारत में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये बहुत ही इकोनॉमिकल, इसके लिए ये ज़्यादा यूज किया गया था। अब ये भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अब ये रेल नेटवर्क में ये जो पटरी रहती है, या फिर आप रेल बोल सकते हैं, ये रेल के बीच में जो गैप रहता है उसको गेजेस बोलते हैं। वे कौन कौन से टाइप के गेजेस हैं और भारत में कितने गेजेस का इस्तेमाल होता है, इसका हम आज के वीडियो में डिटेल देखेंगे। टाइप्स ऑफ रेलवे गेजेस यूज इन इंडिया। अभी व्हाट इज रेलवे गेज? जैसे आप इधर आप स्केच में देख सकते हैं, स्केच में इसमें आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। जो भी रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक का जो रेल का इनर साइड का फेस है, वो इनर साइड के दोनों के फेस के बीच का जो डिस्टेंस है, वो उसको हम रेलवे गेज बोलते हैं। इधर आप देख सकते हैं, इधर से ये इधर तक है, इसको हम रेलवे गेज बोलते हैं। और ये इसी अलग अलग टाइप के गेजेस होते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे। अभी कौन कौन से टाइप के रेलवे गेजेस हैं? अभी टोटली चार टाइप के रेलवे गेजेस हैं जो भारत में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है ब्रॉड गेज, उसके बाद है मीटर गेज, उसके बाद है नैरो गेज, और उसके बाद है स्टैंडर्ड गेज है, जो मेट्रोस के लिए, मेट्रो रेलवे के लिए यूज किया जाता है। अभी लगभग 60% दुनिया का जो भी रेल नेटवर्क है वो स्टैंडर्ड गेज से चलता है, जब जिसका लेंथ है 1435 मिलीमीटर। अभी हम ये स्केच में देखेंगे, एक स्केच में आपको पूरा गेज का डिस्टेंस का पता चलेगा। सबसे पहले देखेंगे नैरो गेज। नैरो गेज का विड्थ है 762 to 610 मिलीमीटर, जैसे इधर से इधर तक। उसके बाद है मीटर गेज, जिसका विड्थ है 1067 mm, 1000 मिलीमीटर एंड 915 मिलीमीटर, जो इधर से इधर तक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड गेज, जिसका विड्थ है 1435 मिलीमीटर एंड 1451 मिलीमीटर, जो ई साइड से इधर तक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ब्रॉड गेज, जिसका विड्थ है 1676 मिलीमीटर टू 1524 मिलीमीटर, जिसका विड्थ है ई इधर से ये इधर तक। इस तरह ये चार टाइप के टोटल गेजेस हैं। अभी हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज ये सबसे लार्ज लाइन या फिर लार्ज गेज माना जाता है, सबसे ज़्यादा वाइड होता रहता है, और इसका डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स रेलवे गेज का जो रहे वो 1676 मिलीमीटर या फिर 5 feet 6 inches बोल सकते हैं। अभी जो भी डिस्टेंस स्टैंडर्ड गेज से जो भी बड़ा डिस्टेंस है या फिर बड़ा गेज है, उसको ब्रॉड गेज ही बोलते हैं। अभी सबसे पहला ब्रॉड गेज भारत में जो शुरू हुआ वो 1853 में बोरीबंदर, जो भी अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहाँ से ठाणे के लिए जो ट्रेन चालू हुआ वो ब्रॉड गेज ट्रेन शुरू हुआ था। अभी ब्रॉड गेज रेलवे जो है वो पोर्ट्स के लिए, क्रेन्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका जो थिनर गेज रहता है उसको स्टेबिलिटी के कारण उसका ज़्यादा इस्तेमाल। अभी ब्रॉड गेज टोटल भारत में जितना भी रेल नेटवर्क है उसका 63,950 किलोमीटर्स, मतलब लगभग 94.1% ऑफ टोटल रूट ये ब्रॉड गेज है, ये एज अप टू 31 मार्च 2020। अभी हम देखेंगे स्टैंडर्ड गेज। विद स्टैंडर्ड गेज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स ऑफ रेलवे गेज, मतलब स्टैंडर्ड गेज में जो डिस्टेंस रहता है ट्रैक के बीच में वो 1435 मिलीमीटर रहता है। अभी भारत में स्टैंडर्ड गेज सिर्फ अर्बन रेल ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, इसके लिए यूज किया जाता है। 2010 तक ये सिर्फ कोलकाता मेट्रो ट्राम के लिए यूज किया जाता था और दिल्ली मेट्रो के लिए यूज किया जाता था। इसके बाद में जितने भी मेट्रोज हुए हैं, अभी जो भी अर्बन सिटीज में मेट्रो चल रहे हैं, वो सारे मेट्रोज में अभी स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल होता है। अभी जो दिल्ली मेट्रो हो गया, रैपिड मेट्रो गुड़गांव का हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, अभी जो नागपुर, पुणे, जितने भी अभी
कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये भी हो गया, ये सब के लिए स्टैंडर्ड गेज का ही यूज किया गया है। अभी हम देखेंगे मीटर गेज। मीटर गेज में जो द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स इज 1000 मिलीमीटर, जैसे और 1 मीटर बोल सकते हैं आप। ये मीटर गेज एक थोड़ा इकोनॉमिकल या फिर चीप टाइप का गेज है, या फिर एक ट्रैक बोल सकते हैं। ये ऑल मीटर गेज जितने भी अभी मीटर गेज है मैक्सिमम को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया है, एक्सेप्ट नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये लीगेसी और एक हेरिटेज माना जाता है, इसके लिए वो अभी तक वैसा ही मतलब मीटर गेज भी नहीं है, ये तो मैक्सिमम जितने भी मीटर गेज है वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किए गए, फिर भी कुछ कुछ जगह पे मीटर गेज वर्किंग है। अभी मीटर गेज का ट्रैक भारत में जितना रेल नेटवर्क है उसका 2,402 किलोमीटर, मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो 3.53% मीटर गेज है यूज करते हैं, और ये एज अप टू 31 मार्च 2020। अभी जो भी कुछ मीटर गेजेस है अभी भी रनिंग में है भारत में, अभी भी काम कर रहे हैं, इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला है जूनागढ़ टू देलवाड़ा, ये गुजरात में है। उसके बाद है मथुरा टू वृंदावन, ये उत्तर प्रदेश में है। और तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में। अभी हम बात करेंगे नैरो गेज की। नैरो गेज एकदम एक सबसे स्मॉल या छोटा गेज माना जाता है। इसका जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे ट्रैक है 762 mm और 610 mm रहता है। उसके साथ ही मैक्सिमम अभी जो भी स्मॉल लाइंस नैरो लाइंस है उनको अभी बिग बड़े गेजेस में कन्वर्ट किया गया है, फिर भी अभी भारत में 1604 किलोमीटर नैरो गेज के ट्रैक्स वर्किंग में है। इसमें टोटल भारत का जो रेल नेटवर्क है उसका 2.36% अभी नैरो गेज वर्किंग में है एज अप टू 31 मार्च 2020। अभी ये जो नैरो गेज के ट्रेन है ये अभी ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते क्योंकि ज़्यादा बड़े गेजेस में फिर इसमें कन्वर्ट किए गए हैं। तो अभी कुछ रेलवेज है जैसे दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे जो एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है 24 जुलाई 2008 को। उसके साथ ही कालका शिमला रेलवे है, ये भी एक पॉपुलर नैरो गेजेस है। अभी नैरो गेज के कुछ जो वर्किंग है उसके कुछ एग्जांपल सेक्शंस अभी आगे देखेंगे। सबसे पहला है शिमला कालका हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद में नेरल माथेरान ये महाराष्ट्र में है, और तीसरा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो भी वेस्ट बंगाल में है। अभी हम लोग देखेंगे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेलवे गेज, ये कौन कौन से फैक्टर है जो रेलवे गेज के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है ट्रैफिक कंडीशन। अगर ट्रैफिक इंटेंसिटी वो ट्रैक का अगर बहुत ही हाई है तो वहाँ ज़्यादातर ब्रॉड गेज को प्रेफर करते हैं। उसके बाद है पुअर एरिया ऑफ डेवलपमेंट, जिस एरिया का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है या फिर एकदम अनडेवलप्ड एरिया है, वहाँ के पूरा नेचुरल कंडीशन भी इतना ठीक नहीं है, तो वहाँ ज़्यादातर नैरो गेज का इस्तेमाल करते हैं, और ये नैरो गेज वहाँ के एरिया को डेवलप करने के लिए भी उपयोग या फिर महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में है कॉस्ट ऑफ ट्रैक। कॉस्ट ऑफ ट्रैक मतलब रेलवे ट्रैक का जो भी कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ और गेज, मतलब गेज के ऊपर भी उसका कॉस्ट या फिर इकोनॉमी डिसाइड होता है। अभी फंड अगर अवेलेबल है, अगर फंड की कमी है जो भी है उसके ऊपर वो ट्रैक का डिसाइड होता है। कभी कभी जैसे अगर फंड अवेलेबल है तो उसको अगर आप ब्रॉड गेज नहीं कर सकते तो स्टैंडर्ड गेज या फिर उसका मीटर गेज भी कर सकते हैं। अगर फंड का प्रॉपर अवेलेबिलिटी है तो और रिक्वायरमेंट भी है तो ब्रॉड गेज को भी प्रेफर करते हैं। और जहाँ नेचुरली कुछ प्रॉब्लम है या फिर पुअर डेवलप्ड एरिया है तो वहाँ नैरो गेज को प्रेफर करते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है ये एक फंक्शन है, जैसे ट्रेन का जो व्हील का डायमीटर रहता है वो
विच इन टर्न टू लिमिटेड बाय द गेज, मतलब गेज के ऊपर भी उसका बहुत असर रहता है, वो गेज कितना रहेगा उसके ऊपर उसका स्पीड और उसका व्हील का मूवमेंट का भी असर रहता है। अभी जैसे जैसे व्हील्स डायमीटर, जो भी ट्रेन का व्हील है उसका डायमीटर यूजली 0.75 टाइम्स विड्थ ऑफ गेज रहता है, मतलब जो भी गेज का विड्थ रहेगा उसका 0.75 टाइम्स उसका डायमीटर रहेगा, और उसके साथ इसके हिसाब से ये स्पीड ऑफ ट्रेन ये जनरली प्रोपोर्शनल टू गेज, इसके साथ साथ ही उसका पूरा स्पीड गेज के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी अगर आपको हायर स्पीड चाहिए, हायर स्पीड ट्रेन वगैरह चाहिए, तो ज़्यादातर ब्रॉड गेज को ही प्रेफर करते हैं और ब्रॉड गेज को प्रायोरिटी देते हैं और बाकी मीटर गेज और नैरो गेज को यहाँ अवॉइड करते हैं। अभी हम देखेंगे ये सर कौन सा स्टेशन है जो जहाँ यहाँ तीनों गेज पाए जाते हैं, जैसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। यहाँ पश्चिम बंगाल में, भारत के पश्चिम बंगाल स्टेट में सिलीगुड़ी जंक्शन नाम का एक स्टेशन है। यहाँ जो भारत का इकलौता ऐसा स्टेशन था जहाँ तीनों टाइप के गेज पाए जाते थे, जैसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अभी सिलीगुड़ी जंक्शन जैसे उसमें तीन रेलवे स्टेशन जो कनेक्ट करता था सिलीगुड़ी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, उसमें अलग दो अलग दूसरे स्टेशन है, सिलीगुड़ी टाउन और दूसरा है न्यू जलपाईगुड़ी। अभी ये सब पहले एक गलत ऐसा स्टेशन था जहाँ तीनों गेज पाए जाते, लेकिन अभी कुछ हिस्सा जैसे अलूबारी रोड टू सिलीगुड़ी जंक्शन का ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए अभी ये तीनों गेज का नहीं मानते, लेकिन पहले ये इकलौता स्टेशन का जहाँ तीनों गेज पाए जाते थे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो आपने देखा कि जो रेलवे ट्रैक के जो रेलवे गेजेस है भारत में कौन कौन से हैं और कहाँ कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, किधर इस्तेमाल किए जाते हैं, और आपको आज का टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।